तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के मुस्तैदी ने बंद समर्थकों का हौसला पस्त कर दिया। बंद का रेलवे के परिचालन में कोई अड़चन नहीं आई और सभी गाड़ियां चली, मगर परिचालन के समय में थोड़ा विलंब जरूर हुआ। टाटा नगर रेलवे स्टेशन में सुबह से ही खुद एसडीओ सूरज कुमार पूरी फोर्स के साथ तैनात थे। उन्होंने हर गाड़ी का परिचालन खुद सुनिश्चित कराया और ट्रेन चालकों व सह चालकों से बातचीत भी की। सलगाई झूड़ी के पास ट्रैक में अवरोध को देखते पैदल ही एसडीओ पटरी मार्ग से वहां गए और ट्रैक को क्लियर कराया। उधर स्टेशन के बाहर और जुगसलाई क्षेत्र में सुबह जरूर दुकानें बंद रही, मगर बाद में सभी दुकानें खोल दी गई थी। पूरे क्षेत्र में जिला पुलिस, रैफ और जैप के जवानों की तैनाती ने बंद समर्थकों के हौसले पस्त कर दिया। बर्मा माइंस क्षेत्र में कुछ बंद समर्थकों ने सड़क में जलता टायर रख दिया था, जिसे पुलिस ने हटा दिया। पूरे क्षेत्र में वरीय अधिकारी पूरी टीम के साथ फ्लैग मार्च करते रहे। बंद के दौरान कदमा बाजार के पास तीन स्कूली छात्रों को पुलिसकर्मियों ने पीट दिया, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कदमा थाना में जाकर हंगामा मचाया। बंद के दौरान कदमा बाजार के पास गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने अभिषेक सिंह समेत दो अन्य युवकों को रोककर पूछताछ की और फिर उन पर कथित तौर पर लाठियां बरसा दी। तीनों छात्र हैं और वे नाश्ता करने जा रहे थे। घटना से उत्तेजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लालटू महतो व अन्य ने कदमा थाना जाकर हंगामा मचाया और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये गुंडागर्दी हो रही है, रघुवर सरकार का ये सारा सर गुंडागर्दी है। जो कि ये स्कूल पढ़ने लिखने बच्चा लोग बाजार घूम रहे थे, जो कि जबरन इन लोगों ने बेरहमी से अपराधी को इस तरह का नहीं पीटा जाता है जिस तरह का इन लोगों ने पीटा है रोड में सुला सुला के, जबकि ये बच्चा पढ़ाई लिखाई करने वाला है। और इस मामले अरे ये जांच हो और नहीं तो दो दिन बाद हम लोग थाना घेराव कर। क्या कर रहे थे आप? हम लोग वहाँ से घूमने जा रहे थे, नाश्ता वास्ता करने जा रहे थे, निकले थे वहाँ से। वो लोग आ गए, पकड़ लिए हम लोग को। हम लोग को पकड़ के तुरंत हाथ चलाने लगे। हम लोग बोले सर हम लोग नहीं किए। क्या नहीं किए? नहीं, वो बोलते कि क्या तुम लोग करने के? हम लोग बंद कहा है थोड़ी, हम लोग तो अपना खाने पीने, हम लोग गाड़ी में रुकवा दिए। और उमस भरी गर्मी के बाद शनिवार की शाम तेज आंधी और बारिश ने लोगों को कुछ राहत दी है, हालांकि कई पेड़ गिर गए हैं। दिन भर तेज गर्मी और उमस से लोग परेशान रहे, मगर शाम होते ही घूमर रहे बादल को देख लोगों ने राहत की सांस ली। करीब 10 मिनट तक आई तेज आंधी से शहर में कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बाद में तेज बारिश और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। हो जाए।